रसिको नमस्कार. जळगावच्याच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वातील एक महत्त्वाची संस्था परिवर्तन जळगाव गेल्या 9 वर्षापासून नाट्य, साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र अशा विविध कलांचे महोत्सव परिवर्तन नियमित आयोजित करीत असते. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वात उत्तम काम करणारी संस्था असा नावलौकिक परिवर्तनने प्राप्त केला आहे. पद्मश्री डॉक्टर भवरलाल भाऊ जैन यांना आदरांजली वाहणारा भाऊंना भावांजली परिवर्तन कला महोत्सव हा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या महोत्सवाचं यंदाचं हे 4थं वर्ष. 9 दिवसांच्या या महोत्सवातील शबनम वीरमानी यांच्या गायनाचं हे चित्रमुद्रण खास आपल्यासाठी. मी अनादिचा अस्वस्थ गे माते अस्वस्था ते स्वस्थ कीजेगा असं 800 वर्षापूर्वी चक्रधारने सांगितलं आणि मराठीचा प्रवाह सुरू झाला. त्याने जे 800 वर्षापूर्वी म्हटलं ते आजही आपण जसंच्या तसं ठेवलेलं आहे. आपण समाज म्हणून इतके नालायक आहोत पण भाषा म्हणून आज फार महत्त्वाचा दिवस आहे. आत्ता मला एक जण बाहेर भेटला म्हणून मी बोलायला उभा आहे. मराठी भाषेच्या दिवशी हिंदीचा कार्यक्रम ठेवता म्हणजे काय आता, म्हणजे याला मी काहीच करू शकत नाही तर त्याच्यामुळे मला इथे यावं लागलं. मराठी भाषा पुष्ट झाली, चांगली झाली, सुंदर झाली, ती इतकी समृद्ध आहे याचं एकमेव कारण म्हणजे त्या भाषेने इतर भाषेतले बहुतांश शब्द स्वीकारले. मराठीत आज जे शब्द आपण वापरतो यातले 30 ते 40% शब्द हे बाहेरचे आहेत, हे आपण स्वीकारलेले आहेत. जसा तुकाराम आपला आहे, जसा ज्ञानेश्वर आपला आहे, तसा कबीर पण आपला आहे. तो आपल्या आत आहे, लक्षात ठेवा, कबीर आपला आहे, तो फरका नाही. आणि आता हर्षलने फार चांगली ओळख करून दिली. दिलीप जोशी आमचे मित्र समोर बसले आहेत. त्या दिलीप जोशींमुळे जगातली इतकी भारी बाई आपल्याला इथे ऐकायला मिळते. दिलीप जोशींसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजे, आपण त्यांचे आभार मानले पाहिजे. या बाई काय म्हणजे तुम्हाला काय सांगितलं काय म्हणजे माझ्याकडे शब्द नाही. मी परवापासून त्यांना ऐकलंय आणि मी पागल झालेलो आहे, माझ्या डोक्यावर परिणाम झालेला आहे. मी त्यांना म्हटलं पण मी तुमच्या प्रेमात आहे, आय लव्ह विथ यू हे बायको समोरच त्यांना सांगितलेलं आहे. म्हणजे मला बोलायला कधीच अडचण येत नाही पण मी त्यांच्या समोर जातोय तेव्हा माझी बोबडी वळते, बोबडी वळते. थोर बाई, थोर बाई. त्या कबीर गातात म्हणजे काय, कबीर कबीर गातात म्हणजे काय, प्रेशर ज्यादा हो रहा है. नाही कबीर त्या गात नाहीत, त्यांच्या रूपाने कबीर गातो हे लक्षात ठेवा, हे सुंदर आहे. तर आपण त्यांना ऐकूयात. ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई. इस प्रकार के इंट्रोडक्शन के बाद तो अब हम क्या गाएं आपके सामने. शंभू जी, नॉट फेयर. आप सबको हमारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद. शंभू जी, कुणाल, दिलीप जी, आपने ये मौका दिया जलगांव के लोगों से मिलने का, रूबरू होने का. मुझे खेद है मैं मराठी बोल नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, लेकिन हम आपके बीच जो भजन यहाँ रखेंगे वो अनेक भाषाओं के हैं, मालवी, मारवाड़ी, थोड़ा गुजराती, थोड़ा बंगाली, क्योंकि ये जो संत कवियों की परंपरा है हमारे देश में वो एक बहुत बड़ा कबीला है, बहुत बड़ा कबीला है. और इसमें लोग तफावत नहीं करते कि ये हमारा और ये हमारा नहीं, वो समझते हैं कि सब एक है. और अगर हम करते हैं तफावत देश के नाम पे या भाषा के नाम पे तो हम उस संत की बात समझे ही नहीं. हमें ये मान के चलना चाहिए. अगर हम भाषा के तौर पे भी इतना गुरूर ला रहे हैं कि कुछ लोगों को हम अपना समझते हैं, कुछ लोगों को पराया, तो फिर बात की शुरुआत ही नहीं हुई कबीर की. तो ये पहला भजन राजस्थान में हमने सुना और सीखा महेश राम जी द्वारा. मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मोरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे. शायद इसका इतना अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं है, तो सरल हिंदी है. पर मैं संकेत देना चाहूँगी कि ये आंगन क्या, मौखिक संत परंपरा में ये आंगन
अक्सर हमारा उनका इशारा हमारे देह से है, इस शरीर से, क्योंकि ये ज्ञान का प्रभाव इस आंगन में हो रहा है। सतगुरु आंगन आया, क्योंकि सतगुरु अपने अंतर मन की भी चेतना है, जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य हो। सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती नहाया। जब ये ज्ञान मेरे दिल दिमाग मस्तिष्क में उतरा तो गंगा और गोमती में नहाने के बराबर था। मेरी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, सब सखी मिलकर हालो, केसर तिलक लगाओ, घने हेत सू ले वो बधाई, वारी जाऊं रे। सतगुरु दर्शन दीना, भाग उदय ही कीना, मेरा धर्म करम, मेरा धर्म भरम, सब छीना, मैं वारी जाऊं रे। हम जानते हैं, और खास करके इस मुकाम पे जहाँ हमारा देश आज खड़ा है, दिल्ली में दंगे फसाद हो रहे हैं, आप सब जानते हैं कि भरम और धर्म बहुत जुड़ी हुई बातें हैं। धर्म अक्सर हमें भ्रमित करता है। सच्चा अध्यात्म ये नहीं जिसके लिए हम दंगे फसाद कर रहे हैं। सत्संगी बन गई भारी, इस परंपरा में आने से तो आप सत्संगी बनते हैं, और क्या होता है आपके साथ, मेरी खुली हृदय की ताली, मैं वारी जाऊं रे। ये दिल पे लगे ताले खुलते हैं, बंद नहीं होते, विचारधारा व्यापक होती है, संकीर्ण नहीं होती। दास नारायण जस गायो, चरणों में शीश निमायो, सतगुरु पार उतारे, मैं वारी जाऊं रे। ये सतगुरु यानी क्यों, क्या सत्य जो हमारा गुरु है, जैसे गांधी जी कहते थे, ट्रूथ सत्य ही परमेश्वर है। देखूं तित तू, मेरे मैं का भाव मिट गया, अब बस तू ही तू। मैं लगा उस एक से, एक भया सब माही, सब मेरा मैं सबन का, ताहा दूसरा नाही। जब एक से रूबरू होते हैं तब कोई पराया नहीं रहता। तुम्हारा जो देखण में नया जी, बुरा ना मिलिया को, जो तना हो जाए अपना, से बुरा नहीं कोई। किसमें हिम्मत है खुद को परखने की, वो है सच्चा अध्यात्म। कबीर कहते हैं, सब संत सूफी यही हमें कहते हैं। सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मेरा दिल गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मैं भारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मैं भारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मेरा दिल
सतगुरु आंगन आया मैं माने जाऊं रे। मेरा सतगुरु आंगन आया गंगा गोमती नहाया रे। सतगुरु आंगन आया सखी मिलकर हालो केसर तिलक लगावो रे। सब सखी मिलकर हालो हालो केसर तिलक लगावो। धने हित सुन ले वो बधाई बारे जाऊं रे। धने हित सुन ले वो बधाई बारे जाऊं रे। गुरु दर्शन बिना भाग हृदय कीना रे। सतगुरु दर्शन बिना बिना भाग हृदय कीना। मेरा धर्म भरम सब छीना मैं वाले जाऊं रे। ओ मेरा धर्म भरम सब छीना मैं वाले जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया मैं वाणी जाऊं रे। मेरा दिल गुरु आंगन आया मैं वाणी जाऊं रे। हां दास नरन जस गायो चरण में शीश नवायो रे। दास नरन जस गायो गायो चरण में शीश नवायो। हां सतगुरु पार उतारे मैं वाणी जाऊं रे। सतगुरु वाणी उतारे मैं वाणी जाऊं रे। मैं वाणी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। वाणी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मेरा सतगुरु आंगन आया मैं वाणी जाऊं रे। मेरा दिल गुरु आंगन आया मैं वाणी जाऊं रे। यदि अनुकूल है तो नीचे भी बैठा जा सकता है।
उदासीनता कभी होती है, हम सबको होती है कि हमारे देश में इतनी समृद्धता है ज्ञान की, लेकिन जब हम आजकल का माहौल देखते हैं तो लगता है कि जैसे हम बड़े ढीठ हैं, सीखते नहीं। कहे कबीर या जग को समझाया सौ बार, वह पकड़े पूंछ भेड़ की और उतर न चाहे पार। सोचिए, अगर आपको नदी पार करनी है, ये भवसागर अगर पार करना है, तो कोई तगड़ी पूंछ तो पकड़ो। भेड़ की पूंछ पकड़ने से क्या होगा? ये है हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, भेड़ की पूंछ। तो हिंदू कहे हमें राम प्यारा और मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरे मरहम कोई नहीं जाना। तो हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं और मुसलमान भी नहीं, गए भी दोनों दीन में खेलूं दोनों माही, ये भी दोनों दीन में खेलूं दोनों माही। कबीर कहते हैं ये गैबी क्या, वो अलख जो देखा ना जा सके, वो अखत जो कहा ना जा सके, वो अगम जहां जाया ना जा सके, वो अजब जो जपा ना जा सके, ये है कबीर साहब का मार्ग, जीना मार्ग। हम बहुत ठोस हो गए हैं, स्थूल, सूक्ष्मता भूल गए, अपनी परंपरा की सूक्ष्मता। इस भजन में कबीर कहते हैं, कर गुजरान गरीबी में साधु भाई, गरीबी में, फकीरी में, नमन में, मगरूरी क्यों करता, इतराता क्यों है इतना, किस बात पे? जोगी होकर जटा बढ़ावे, नंगे पैर क्यों फिरता है रे भाई, गठड़ी बांध सिर ऊपर धर ली, यूं क्या मालिक मिलता है रे भाई। मुल्ला होकर बांग पुकारे, क्या तेरा साहेब बहरा है रे भाई, चींटी के पग नेवर बाजे, घुंघरू चींटी के पांव पे, सो भी साहिब सुनता है रे भाई। धरती आकाश गुफा के अंदर, पुरुष एक वहां रहता है रे भाई, हाथ ना पांव रूप नहीं रेखा, नंगा होकर फिरता है रे भाई। है किसी में हिम्मत जो तेरे घट में, जो मेरे घट में, जो सबके घट में एक है रे भाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर जैसे को तैसा। जोगी होकर
पगड़ी बांध सिर पर धर ले यूं क्या मालिक मिलता। हाँ गठड़ी बांध सिर पर धर ले यूं क्या मालिक मिलता। हाँ कदुजरान फकीरी साधु भाई मगरूरी क्यों करता। सत्संग में कबीर को सुनेंगे, अध्यात्म की बातें सुनेंगे और वाह वाह भी करेंगे, लेकिन जब अपने ही पड़ोस में किसी मुसलमान साथी या क्रिस्ती साथी या सिख या दलित साथी के साथ कुछ बात बने तो हमारे ख्याल वही दकियानुसी के दकियानुसी। ये पाखंड हमारी स्पेशलिटी है। हम कहेंगे भ्रम तो सब में है लेकिन व्यवहार में नहीं लाते। ज्ञान कथे रहनी नहीं रहता रे, अब बिन रहनी कैसा ज्ञाना रे साधो भाई। दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान कथे बेहद, यो नर नरक में जाएंगे कहीं सुनी साखी और शब्द। ये हमसे बात हो रही है। लेट अस कंसिडर आवरसेल्व्स पर्सनली एड्रेस्ड हियर।
दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, यो नर नरक में जाएंगे, सुनी कही साखी और शब्द। और हम यहाँ बैठे हैं, साखी और शब्द आपको सुना रहे हैं, हमें भी चेतना चाहिए। कहाँ हम दरारें पैदा करते हैं अपने और पराए के बीच। एक भजन में मुझे तुकाराम जी की गूंज आ रही है आज शाम के लिए, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तुकाराम जी कहते हैं, भेटी लागी जीवा लागली सी आस, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी। खास आपके लिए रख के लाई हूँ आज शाम के लिए। लेकिन इस विरह की बात में, कबीर साहब के विरह की बात में एक ट्विस्ट है, अक्सर होता है। कबीर कहते हैं, गागर ऊपर गागरी, जो चोली ऊपर हार, सूली ऊपर सासरो, कहे कबीर विचार। सूली ऊपर सासरो, ये पिया मुश्किल से मिलेगा शायद। इनी सुरता रो करनो है ब्याह, हेली भारी। कभी कहते हैं, मुझे इस सुरता, सुरता मेरी चेतना, मेरा ध्यान, मेरे चित्त के लिए एक वर चाहिए, लेकिन जोड़ी का बनड़ा ना मिलिया उसे। जहां बहुत ढूंढा, मिलिया मिलिया लोग हजार, उनसे तो दिलड़ो ना मिलियो हो जी। ये अक्सर आता है कबीर के भजनों में, जहाँ वो अपनी ही चेतना को एक बावरी दुल्हन बनाते हैं, जो खोज रही है अपना पिया, अपनी सुरता। बिपत बिरामण बुलाव जो, अपने ब्राह्मण को बुलाओ, कबीर कहते हैं। इस शादी, इस लगन में जो आपत्ति है उसे हटाए, अगर हटा सकता है तो। इस लगन का ब्राह्मण तो अंदर ही बसता है, जो बाधा हटा सके। छोड़ी दम मामा मोसाल, पिया की लारा हुई जवां जी। इसमें थोड़ा मारवाड़ी भाषा झलक रही है। अपने परिवार को मैं आंसुओं में छोड़ दूं, यदि मुझे मेरे पिया मिल जाए। चढ़ी जाऊं अब घट घाट, काया गढ़ के छेकी जाऊं जी। अब उसका सफर इस काया गढ़ पे है, जहां अवघट घाट है। ये अंदर का मार्ग मुश्किल है, सीढ़ियां बहुत ऊंची है इस घाट की। वहां खुला है दसवां द्वार, साहिब जी से जय मिलूं वहां हो जी। साहिब उसे कहां मिले, इस दसवें द्वार पे। ये रंग महल है नौ द्वार का, और यहाँ दसवां द्वार है, जहाँ आपकी चेतना उस पिया से मिलती है। सुरता रो कर दीनो ब्याह, जोड़ी का बनड़ा यहाँ मिलिया हो जी, यहाँ मिलिया। कहे कबीर धर्मदास से, रटो हो निज नाम को जी। कबीर रेख सिंधूर की, पर काजल दिया न जाए, नैनन प्रीतम रमी रया, तहां दूजा कौन समाए।
कागा सब तन खाइयो चुन चुन लीजो मास ये दो नैना मत खाइयो क्यों मोहे पिया मिलन पिया तो नैना अंताब तू नैना झंप तो है लो ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दूं तो नैना कर तू ओठड़ी और पुतली से जुल छाए पलकों की चिकड़ डार के यहाँ साई दियार छाए Thank you.
अंतर सात समुंदर, याही में नौ लख तारा, या ये बहुत फेमस रचना है कबीर साहब की, जिसमें वो जब अंतर में इतनी गहराई से पहुंच जाते हैं तो पूरा विशाल ब्रह्मांड का खेल इस पिंड में उनको नजर आता है। या घट भीतर अनहद गरजे, या ही में उठत फुवारा, या घट भीतर हीरा मोती, या ही में परखन हारा, या घट भीतर चांद और सूरज, या ही में नौलख तारा, या घट भीतर सात समुंदर, इसी में सृजन हारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या ही में गुरु हमारा। तो बूंद पड़ी समुंद में जाने है सब कोई, समुंद समाना इस बूंद में जाने बिरला को। सूफी कहता है इसी बात को, अगर कतरा कतरा बूंद, अगर कतरा न दरिया से जुदा होता तो क्या होता, वही होता जो है इसके सिवा होता जो तो क्या होता। ना होने पर तो दुनिया की निगाहें खा गई धोखा, जो तेरे माँ सिवा कोई खुदा होता तो क्या होता, जो यूं होता तो क्या होता, जो यूं होता तो क्या होता। इसमें कबीर कह रहे हैं कि इस घट में सब कुछ है आपके अंतर मन में, लेकिन फिर भी हम कहां ढूंढ रहे हैं, अंधेरे में। Yeah.
भजन हम गाएंगे गोरखनाथ जी का, उसमें वो कहते हैं काची छे काया थारी, झुटड़ी छे माया राम, झुटड़ा सा लेख लखाया। काची हो कौन घड़ेली थारी काया, काची हो कौन घड़ेली थारी माया। तो अपने मन के जो भी ताले हैं वो कौन लगाता है, वो कोई और लगाता है या हम लगाते हैं, और उसको खोल भी कौन सकता है, बताते हैं। घटमाही ताला राम, घटमाही कुंजी राम, घटमाही खोलन हाला राम। कहते हैं अगर तुम सत्य के साथ रहोगे, अगर तुम अपने आप को अंदर से पवित्र करोगे, तो तुम्हें गंगा जमुना क्यों जाने की क्या जरूरत है। घटमाही गंगा राम, घटमाही जमुना राम, घटमाही तीरथ नहाया राम, घटमाही अंबा राम, घटमाही अंबी राम, घटमाही चाखन हारा राम। अपने वास्तविक जीवन में हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारे पसंद नापसंद होते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर हमें गुस्सा आता है, कुछ चीज़ों को लेकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर ये एक दृष्टि कोण है, और इसको कौन बदल सकता है, क्या कोई बाहर से कोई हमें खुशी दे सकता है, या हम अपने दृष्टिकोण को बदल कर अपने ही मालिक हम खुद बन सकते हैं। और कहते हैं कि जो इस सत्य की जांच करेगा, जो इसको अपने शरीर में लाएगा, वो ही पार उतरेगा। मैं इन सब का भेंट आपसे करवाऊँ, ये स्वागत शिव कुमार सृष्टि के छात्र हैं, ये तीनों हम एक फोरम चलाते हैं जहाँ हम हर क्लास में एक भजन सीखते हैं, गाते हैं, रमते हैं, उसमें चर्चा करते हैं, और उस फोरम का हमने नाम रखा है सृष्टि में गाए सो पाए। तो इसमें स्वागत शिव कुमार, यशवंत और श्रीपद। इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। हार है, हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। ये फजीत क्या हुआ भाई? तो मैंने एक छोटा सा रेडियो शो जैसे मैंने लिखा है, और उसमें ये दोहा आता है, तो उसी का मजाक उड़ा रही है शबनम। नहीं, उसमें स्वागत बहुत ही मनोरंजक ढंग से ये सवाल पूछता है कबीर से, उसकी वार्तालाप हो रही है कबीर से, खुद कबीर उसके मनो जीवन में टपकता है एक दिन, तो उसके साथ उसकी बहस होती है, चर्चा होती है, तो कबीर उसको ये दोहा सुनाता है। तो स्वागत उससे पूछते हैं, कबीर से पूछते हैं, अरे भाई ये फजीत यानी क्या? क्योंकि मैं तमिल हूँ, मुझे क्या मालूम फजीत क्या। हाँ,
सब वन तो तुलसी भय, अरे सब वन तो तुलसी भय, अरे सब सब पर्वत शालिग्राम, सब नदियां गंगा भई, जब जानिया आत्म राम। Thank you.
तुम्हारी पूंजी राम, तुम्हारी काला राम, घटमाही कुंजी राम, घटमाही काला राम, घटमाही कुंजी राम, घटमाही को नान हरा राम राम राम, घटमाही को नान हरा राम राम राम, काची हो पान घड़ेली हरिका मच्छिंद्र प्रताप जगती, हाँ मच्छिंद्र प्रताप जगती, गोरख बोले रे मच्छिंद्र प्रताप जगती, गोरख बोले रे समझा सोही नार पाया राम राम राम, समझा सोही नार पाया राम राम राम, काची हो कौन घड़ेली हरिता क्या बोले, कभी कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पाया बांध गठड़िया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया में क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भाई फिर क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, सूरत चेतना कलाल जमाही, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल ओले, या तिल राई तिल ओले, बेहद की गम होएगी तब कुछ कथना ना, तो कहना था तो कह दिया, कहना था तो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए,
धन लागो मेरो यार। नहीं नहीं ये जरा एक यहाँ पर देखा आपने वंस मोर कहा।
जी नहीं, चलने तो आप कोई प्रॉब्लम अभी तो चली ही ये काया में आबा अब इसी नशे वाले मूड को बरकरार रखते हुए अगला भजन कहता है साहिब ने भांग पिलाई अखियों में लालन छाई साहिब ने भांग पिलाई सतगुरा ने भांग पिलाई मेरे अखियों में लालन छाई पीकर प्याला हुआ दीवाना घूम रहा जैसे मतवाला मेरा जन्म जन्म का खुल गया ताला अखियों में लालन छाई झाड़ बिंद जीव चर अचर में फूल रहा मेरा साईं जहां देखो वहां रीता नाही जहां देखो वहां खाली नाही सब घट रहा समाई मेरी अखियों में लालन छाई गुरु रामानंद तो मेरी बलिहारी सिर पर ठोकर ऐसी दी ही इस परंपरा में चोट खाना बहुत ही उच्चतम स्थिति है आप चोट खा गए यानी आपकी जर्नी की शुरुआत हुई सतगुरु चढ़े शिकार पे हाथ में लाल कबाण मूरख मूरख बच गए कोई मारा संत सुजान तो कोई मारे तोप तीर से हाँ कोई मारे तोप तीर से आवे दुआ दस घाव मेरे सतगुरु मारे शब्द से तल मुंडी ने ऊपर पाऊं गुरु रामानंद तुमरी बलिहारी सिर पर ठोकर ऐसी दीनी साहेब कबीर बख्शीश कर लो ये अगम बानी गाई मेरी अखियों में लालन छाई लाली लखी यानी दिखाई दिखाई नहीं देती उसी तरह साहिब की साहिबी हम सब में है हम सब मेहंदी के पत्तों की तरह हैं हम सोचते हैं हम हरे हैं अपनी लाली का एहसास नहीं है हमें और उस एहसास होने के लिए क्या होना पड़ेगा चक्का पीसिंग थोड़ा खुद को नष्ट करो खुद के अहम को नष्ट करो खुद की मान्यताओं को नष्ट करो खुद की अस्मिता को नष्ट करो तो लाल लाल तो सब कहे सबके पल्ले लाल गांठ खोल देखा नहीं यहां से भया कंगाल सब को खोज है उस लाल की लाली मेरे लाल की और
जित देखूं उतना लाली देखण में गई मैं भी हो गई लालन की नहीं हंसन के नहीं पात सिंहन के नहीं लहड़े और साधु न चले जमात यदि आप झुंड में हैं तो समझ लीजिए आप भटक गए कबीर साहब इस बात पे बहुत फियर्सली क्लियर है कि अध्यात्म का रास्ता है अकेला आप क्या अंतर मन में भीड़ को साथ लेके जाएंगे तो एक अकेले की जर्नी है तो जैसे हंस झुंडों में नहीं उड़ते सिंह शेर झुंडों में नहीं घूमते जंगलों में वो लाल रतन एक एक मिलता है बोरियों में नहीं लादा जाता हाट में उसी तरह सच्चा साधु जमात में नहीं चलता साहिब ने भांग पिलाई अखियर ने अनालन छाई सतगुरु ने भांग पिलाई हो अखियों ने लालन छाई साहिब ने भांग पिलाई अखियों में अलालन छाई साहिब ने भांग पिलाई हो अखियों में अलालन छाई हाँ बोल रहा मेरा साईं
Thank you.
अब हम आपको आपकी इजाजत के साथ एक आखिरी भजन बाउल गान से अंत करेंगे। ये भी थीम नशे की ही है। यहाँ कोई बंगाली लोग बैठे? Yes. So this is for you and all the others. दो होने चाहिए।
रंग और नशे की थीम पे हम आज आ चुके हैं, तो एक ये बावल गान आपको सुनाएंगे और अंत में महारा सतगुरु है रंगरेज, चुनरिया महारी रंगदारी। इस बावल गान में कवि कह रहे हैं, आए खैने बहस्त शही। ये कोई बांग्लादेश के फकीर हैं और जैसे कि आप जानते होंगे बाउल में दो परंपराएं बहुत ही मिश्रित रूप से चलती हैं, एक फकीरी जो कि जिनके रेफरेंसेस इस्लामिक रहते हैं और काफ़ी शब्द उर्दू के आते हैं इसमें, और दूसरी वैष्णव परंपरा से प्रभावित चैतन्य महाप्रभु की धारा में, लेकिन ये दोनों मिश्रित परंपराएं हैं। तो ये भजन लगता है शायद एक बांग्लादेशी फकीर का है, हमने इसे सुना और पार्वती बाउल से सीखा। इसमें कहते हैं, आए खेने बहस्त शही शूरा बोंतो भूरा, आओ पिए उस जन्नत उस बहस्त उस स्वर्ग की शराब। आल कुराने खबूर एलो आशिकानेर इशारा, उस कुरान अल कुरान की खबर सबसे पहले आशिकों को मिली, पंडित मुल्ला काजियों को नहीं, आशिकों को। बहसते जा होए व्यवहार क्षमा जेता होलो प्रचार, अपनी खुले जन्नत तेरे द्वार खांटी मोमेन होए जा रहा। उस बहस्त की खुशबू की का स्वाद जिनको हुआ उन्होंने उसका प्रचार इस समाज में किया और उनके लिए जन्नत के द्वार अपने आप खुल गए। मुमिंदर खेदमो तेर तोरे इश्केरो प्याला भोरे, अमृतो प्रेम शुधा भोरे पान कोरे मतवारा। वो मुमिंदर उन लोगों ने खिदमत किसकी की, इस इश्क के प्याले की, और उन्होंने इस अमृत के प्रेम के रस को प्रेम के अमृत को खूब पिया और मतवाले हो गए। लेकिन फकीर दरवेश ओली साधु पान कोरे दुई एक बिंदु, केवल दो एक बिंदु बूंद की जरूरत थी इन फकीर दरवेशों को। ध्यान कोरे शई दीनो बंधु छेड़े विषय वासना, उन्होंने ध्यान की उस दीन बंधु की और उनके विषय वासना खुद झड़ गए। रजब रजब शई निशान झोंके मुखिया बोल तबोल बोके। रजब कवि का नाम है, वो कह रहे हैं कि मैं इस कदर उस शराब में धुत हूँ झोंके खा रहा हूँ कि मेरे मुंह से आबुल ताबुल की बोली आ रही है। आबुल ताबुल यानी उलट बांसी, जैसे कबीर की परंपरा में हम इसे उलट बांसी कहते हैं। ज्ञान कोरे ना ज्ञानी लोके पागोल बोले अज्ञानीरा, वो ज्ञानी लोग पंडित लोग इसका कुछ बूझ नहीं पाते समझ नहीं पाते, क्योंकि ये एक भाषा है इश्क की, बेजुबान भाषा है, वो मुझे पागल बोलते हैं, वो इसका कुछ पल्ले नहीं पड़ता उनके। आए खेने बहस्त शई शूरा बोंतो भूरा, सबसे जरूरी बात मैं बोलना भूल गई, ये शराब किसकी, भूरा भू
खून, इस श्वास की, इस दम की, ये शराब इस दम की है। इस परंपरा में सूफी लोगों ने, भक्तों ने, दोनों ने हमें ये कहा है कि हर दम हर को गेलो है, हरी हर दम, आपका हर श्वास हरी का रास्ता है, हरी का गेला है रास्ता। Shabu
से
सतगुरु है रंग रे चुनरिया रे मोरे रंग ढारे साहिब है रंग रे चुनरिया मोरे रंग डारे साहिब है रंग रे चुनरिया मोरे रंग डारे जाहि रंग रे चुनरिया रे मोरे रंग डारे
आज के आनंद की जय हो।